ओके हाँ, उरी अगर देखी होगी तो आपने देखा होगा, वो मोहित राणा जो बोलता है, वो बोलता है कि मेरी ड्रैगनो लेके आओ स्नाइपर, एक एक तोड़ा हूँ, वो वाली स्नाइपर है ये वाली। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जब भी अपनी गाड़ी के पास से निकलते हो, आपको उसको मुड़ के देखने की इच्छा होती है? होती है, मुझे तो बहुत होती है, चाहे वो कवर में हो या कवर के बाहर हो। एनीवेज, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट आउट देयर। थोड़ा नींद में हूँ, सुबह 5 बजे उठा था, 7 बजे एग्जाम देने के, एग्जाम दे के आया, 9 बजे आया। सभी दोस्त मित्र गण, हमारे भाई बंध सब के सब राजकोट में हैं। कैन यू इमेजिन, आज मिला उनसे, नीचे बैठा था, गपशप कर रही, बहुत मजा आया। लास्ट व्लॉग जब मैंने डाला था 14 जनवरी को और 10 दिन बाद व्लॉगिंग है, तो ये व्लॉग है सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट टू गेट बैक इनटू द व्लॉगिंग। 10 दिन के बाद हम लोग वापस व्लॉगिंग करेंगे और कल हम प्लानिंग कर रहे हैं एक राइड का, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर है। अभी बज रहे हैं 2:12 और अभी मैं सो जाऊँगा। क्या करूँगा? सो जाऊँगा, क्योंकि सबसे सुख चैन शांति सोने में ही मिलती है भाई। मैंने चश्मा इसलिए लगाया, मैं आया चश्मा लिया, चश्मा लगाया क्योंकि आपको दिखना नहीं चाहिए ना कि मैं बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं हूँ, बट मैं एनर्जेटिक हूँ क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है जो मुझसे प्यार करती है। करती है कि नहीं करती है तो कमेंट में बताइए। वैसे तो सीरीज देखने का प्लान था, पर सीरीज अभी नहीं देख रहा हूँ कि नींद आ रही है, फिर नींद बिगड़ जाएगी, और नींद का बलिदान हम नहीं दे सकते, चाहे वो सेक्रेट गेम्स के लिए हो। और जो मैंने बात बोली बाइक को देखने की इच्छा होती है, किसी महान आदमी ने ऐसा कहा है कि गाड़ी लेते वक्त उसकी अवेलेबिलिटी, उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, सर्विस वर्विस सब कुछ देखो, माइलेज भी देखो, बट आखिर में गाड़ी वही लो जो आपके दिल को भाती। तो हमने भी वही किया था लास्ट 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल अभी आने वाली है, सिर्फ 1 महीने बाद, 1 महीने और 7 दिन बाद 1 अप्रैल आने वाली है, और हमारी गाड़ी को 1 साल होने वाला है, उसका इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ेगा यार। लास्ट वाला जो उत्तरायण का वीडियो था, वो मैंने जब डाला तो मुझे एक ऑनेस्ट रिव्यू मिला कि तू जो एक ही चीज़ है वो बार बार बोल रहा है कि मेरे दोस्त अलग हो जाएंगे, मेरे दोस्त अलग हो जाएंगे। तो दोस्त अलग होने की जो फीलिंग है ना, जिनके पास बहुत खास दोस्त है और जब वो अलग होते ना, तो वो फीलिंग बहुत ही ख़राब होती है। पता नहीं राजकोट कब आना होगा, जब मेरे दोस्तों की शादी होगी तब आना होगा, पता नहीं मैं कहाँ आऊँगा, आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, बट आई होप मैं आ पाऊँ, क्योंकि इन दोस्तों की शादी में मिस नहीं कर सकता। बट जो दोस्त अलग होने की जो चीज़ है ना, वो बहुत हर्ट करती है दिल को, क्योंकि 4 साल मेरे जो मित्र, मेरे दिल के टुकड़े हैं, उनसे अलग होना पड़ेगा। वो कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊँगा, कुछ पता नहीं है। तो आज वो लोग आए हुए हैं, तो उनके साथ जितना अच्छा टाइम हो सके उतना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, मेमोरीज़ बनाएंगे, व्लॉग्स बनाएंगे। सो लेट्स सी, आज का दिन बहुत अच्छा जाए, देखते हैं जो भी है, जैसा भी है, बाकी सब बढ़िया है। मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द एकदम रिफ्रेश्ड मूड में, इससे भी ज़्यादा में, और आपको मज़ा आने वाला है आज। हेलो, एकदम नींद से उठ गया, एकदम फ्रेश हो गया हूँ, नहा धो के एकदम रेडी हो गया हूँ, और हम लोग निकलने वाले हैं। हमारे साथ है फैजल भैया एज ऑलवेज। मेरी आवाज़ भी थोड़ी भारी हो गई होगी क्योंकि सो के उठा हूँ, 2 घंटा 2.5 घंटा बहुत ही मस्त नींद आई एकदम। फिर है ना, अचानक से वो चिड़िया बोलती है, ऐसे कबूतर बोलने लगे, और कबूतर की वजह से मैं उठ गया। पहले मुझे लग रहा था कि अभी क्या बताऊंगा व्लॉग में, कि व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया अभी बताऊंगा क्या, पर अभी याद आया मुझे कि अभी तो 26 जनवरी है और ये वाला जो है अपना 71st रिपब्लिक डे है, तो ऑब्वियसली मज़ा तो आएगा क्योंकि 71 साल हुए हैं। 71 साल इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। सो जाएंगे, कवर करेंगे, आज भी कवर करेंगे। आज भी ठाकुर बोल रहा है कि एक स्कूल है वहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है वेपन्स का, तो वेपन्स का एग्जीबिशन देखने जाएंगे, और मैं बालकनी में ब्लॉक कर रहा हूँ क्योंकि बंदा एक अंदर सो रहा है और सोते हुए डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि सुख चैन शांति यू नो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, निकलते हैं, निकले ना, निकले ना, डन डन, चलिए निकलते हैं। और फुल ट्रैफिक में पूरे आधे घंटे बाद हम लोग निकले हैं, 7 बजे का कहाँ जाने का था, आधा घंटा हो चुका है, अभी पहुंच रहे हैं, और इतना ट्रैफिक है कि बात जाने दो, ये देख लो इतना ट्रैफिक है, और हर जगह से टे 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 टे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी चौधरी स्कूल, आदर भाई चौधरी हाई स्कूल, वहाँ पे एक वेपन्स का जो है एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो वही देखने जा रहे थे किस तरह के वेपन्स होते हैं। पबजी वाले वेपन्स मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो एक्सप्लोर करेंगे, अच्छा लगेगा। अगर वहाँ पे अलाउड करते हैं कि शूट करने, अगर वहाँ पे अलाउड करते हैं कि शूट करने देंगे तो ही मैं शूट करूँगा, अदरवाइज मैं रूल्स के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं रूल्स फॉलो करता हूँ। आई एम ऑन टाइम एवरी टाइम, और मैं कभी लेट नहीं होता। सो पहुँचते हैं वहाँ पे। We'll be right back.
मेरी चौधरी स्कूल और एक मशाल शो चल रहा है जो कि ऊपर से जो दिखा रहे हैं ड्रोन में वो स्क्रीन में दिखा रहा है कि वो पूरा कैसा बन रहा है, कुछ बना रहे हैं वो। तो मैं आपको आगे जाता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पे सब फ्लैश लाइट के खड़े हैं और आई होप काफ़ी अच्छा होगा, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। सी रुकावट के लिए खेद है, ये जो आपने फुटेज देखा अभी जो फायर वाला, बेंगलुरु राजकोट स्वच्छ भारत लिखा था और एक भी एक और चीज़ जो लिखा था वो ड्रोन शॉट लिया गया था वहाँ से, वो मैंने नहीं लिया था, किसी और ने लिया था, तो ऑब्वियसली वो मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो जिसके जो फोटोज़ है वो भी मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि किसी और ने क्लिक किया था, और किसी और का कंटेंट हम यूज़ नहीं कर सकते, इससे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो यू कैन गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम स्टोरी, मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल रखा है स्वच्छ भारत रंगीलो राजकोट, और एक और एक दो चीज़ और थी वो भी उसमें लिखी हुई थी, तो आप जाके एक बार देख लें। तो ये जो ब्लैक ड्रेस में जो फायर शो कर रहे थे वो लोग आर्मी वाले हैं, अ ग्रेट सल्यूट टू इंडियन आर्मी जो कि हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर में 70-70 डिग्री में जो हमारी रक्षा करते हैं, मतलब हाथ बाहर निकलते जो हम जम जाता है, हम यहाँ 4-5 डिग्री में रह सकते हैं, वो लोग वहाँ पे -70 डिग्री में रहते हैं। तो ग्रेट सल्यूट, और जो भी वो एक्ट था वो सुपरविजन के अंदर हुआ था, तो ये घर के ऊपर ग्रह में ट्राई ना करें कि मैं लेके निकल जाऊँ और ये घुमा रहा हूँ, तो वो थोड़ा डेंजर हो सकता है। और अभी हम जा रहे हैं वेपन एग्जीबिशन के अंदर ठाकुर भैया के साथ, तो चलो देखते चलिए। और करेक्शन, वो आर्मी वाले नहीं पुलिस वाले थे, हमने जाके पूछा वो आर्मी वाले, क्योंकि उनके शूज़ देख के लगा कि आर्मी वाले, बट वो आर्मी वाले नहीं थे। ट्रेनिंग ग्राउंड है और हम जैसे सीखाने। सो जो बुलेट देखी वो इसके अंदर डलती है, एक बुलेट 2.5 किलो की बोला ना, 2.5 किलो की, और उसका जो पूरा है वो 10 किलो, वो पूरे क्लिप जो है वो 10 किलो की, और ये पूरा घूमता है। ऐसा लिखा हुआ कि गुजरात पुलिस ने जो आतंकवादियों के पास से जब्त करे हुए जो हथियार है वो ऐसा रखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ तक ये वाले, यहाँ से लेके ये वाले, ये जितने भी है वेपन्स, ये सारे के सारे जो टेररिस्ट होते हैं उनके पास से पकड़े हुए हैं और यहाँ पे एग्जीबिशन में रखे हुए हैं। रॉकेट है, लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है, AK-56 है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। ये 400 मीटर तक मतलब इसका दुश्मन को मार गिरा सकता है, इसकी क्षमता 400 मीटर तक, इसकी है 700 मीटर तक, इसकी 700 मीटर है, इसकी 700 मीटर, इसकी 400 मीटर, 5.56 है, दोनों 5.56 है। और लेकिन ये ऑटो वेपन है और सिंगल शॉट। हां ये ऑटो वेपन है, ये सिंगल शॉट है, ये ऑटो है, इसमें भी तीन ऑटो, ओके, ये इसमें लोड करना पड़ता है। हां नहीं लोड नहीं करना, इसमें भी क्या होता है, ये होता है, इसमें भी मैगजीन होता है, कोई सिंगल राउंड लोड करने की जरूरत नहीं है। इसमें कितनी गोलियां आती है? 20 गोलियां आती है, 20 गोलियां है, डाल के इसको लोड करो, उसके बाद ये है इसका SR, ये मतलब हम ब्रश कर सकते हैं, तीन तीन राउंड का ब्रश निकाल सकते हैं, सिंगल शॉट है तो सिंगल शॉट ये कर सकते हैं इसका। आप क्या किया? MMG टोटल वेट है इसका 25 किलो के आसपास, मतलब 24.4 किलो फिक्स वेट है इसका, और गन का वेट है 10.2 किलो, ट्राईपोड का वेट है जो है नीचे लगा हुआ ये ट्राईपोड वेट है 14.2 किलो, लेंथ ऑफ गन है 1045 mm, और इसकी स्पीड है 1 सेकंड में 815 मीटर, मतलब जो हॉस्टल से देख रहे हैं हॉस्टल से लेके बाल को बाल 1 सेकंड में जाती है, तगड़ी। सात मीटर का एरिया होता है, मतलब डैमेजिंग एरिया।
1700 मीटर जाती है ना? यस। इसका नाम है बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार। ये दुश्मन का हर ऑल वेदर में काम करता है, दुश्मन का इलाके को सभी वेदर में काम करता है। जैसे ये देखो, अभी ये है उसका स्पॉट दिखाया ना, स्पॉट ये टारगेट दिखाया है, इधर से जाती है वेव्स, जाती है इधर से, इसको टकराती है, रिसीव करता है ये और इसको इधर आइडेंटिफाई करता है, इसे बाकी कुछ नहीं। और वो जो साउंड आता है उस साउंड को हमने पहचानना है, आइडेंटिफाई हमने पकड़ना है और हमारे आगे को रिपोर्ट देना है। 2000 मीटर है ये, मतलब 2 किलोमीटर तक होता है। हाँ, ये देखो इसका जो रेंज है, हाँ? टारगेट का रेंज 1400 मीटर पे इधर से ओके। ये तो हमने रेंज दी, मैक्सिमम इतना चाहिए करके रेंज दी। अच्छा अच्छा, ऐसे हम 18 किलोमीटर तक दे सकते हैं। 18 किलोमीटर ओके। हाँ, वो छोटा छोटा दिखाई देगा, ये मैं छोटा अभी दिखाने के लिए एक को किया था। 18 किलोमीटर तक इसका रेंज है, मिनिमम है 100 मीटर। तो इस थिंग की मतलब जब से बेस्ट चीज़ें हुए ये इंडिया में बनाया हुआ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर में। ओके फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू। ये नहीं थी, मतलब बड़ी है, 5.56 है मैम, जो किशन की सबसे फेवरेट है। तो एक ऑग पड़ी है UG, जो ड्रॉप में से मिलती है, ऐसे नॉर्मली नहीं मिलती थी पबजी में, ड्रॉप में जो आती थी वही ऑग 5.56 की गोलियाँ ग्रीन वाली। और एक मिनट में कितना, 1000 राउंड, एक मिनट में 1000 राउंड खत्म है गंदा, अगर आपने चलाया तो रात भर फेवरेट करेगा। हाँ, एक्सपायर हो जाएगी तो उसको फोड़ना पड़ेगा, हमारे को रेंज पे जाके गड्ढा काटेंगे, फोड़ देंगे उसको, क्योंकि एक्सपायर डेट हो जाने के बाद उसको कोई फायदा नहीं। वो भी है, जैसे अपनी दवाई का पहली बार सुना है कि बॉम्ब की भी एक्सपायर डेट आती है। आपके सामने सुनने ने कहा, ये दिखो ना, पढ़ सकते हो, लाइव है बॉम्ब 5/21 लाइव है, देख 5/18 से 5/21 बना हुआ है यहाँ तक, तो इंडिया में, हाँ डेकनपुर में, एक्सटर्न ग्रेनेड जिसमें वो अंदर आ जाता है, हाँ। डालो अंदर जाओ, ठोक डालो तब सुना जाता है। थैंक यू सर, ओके। जिन चीज़ों से पबजी में खेला वो चीज़ असली में देखी, कभी सोचा नहीं था देखने मिलेगी, और अभी तो इतनी सारी नई गन आ गई, सुनने मिली है कि अभी वापस चालू करनी पड़ेगी, और हम चालू नहीं करेंगे क्योंकि भाई साहब की जॉब लग गई है, मेरे को भी काम करना है, इनकी भी जॉब लग गई, तो खेलना नहीं है, ठीक है, खेलना मत। वो जो गन थी ना 6 राउंड वाली, वो GTA 5 वाली थी, वो धूप धूप ऊपर टावर पे चढ़ के छोड़ता था मैं तो गेम खेलता था। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, सैल्यूट और आर्मी जो यहाँ पे प्रेजेंट है सब कुछ बताने के लिए, और बहुत सारी काफ़ी सारी गन्स हैं, कुछ तो मैंने कैमरे में लिए जो आपने देख ली होगी, और बहुत सारी तो ऐसी भी है कि मतलब उसको समझाते आदमी थक गया था वो कि कितना होता है क्या होता है, और इतनी सारी भी है कि 11 मीटर में मतलब यहाँ अगर डाले तो आसपास का 11 मीटर का एरिया ख़त्म कर दो, मतलब 11 मीटर मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, पहाड़ी के पीछे डायरेक्ट फायर होता है, पहाड़ी के पीछे फायर करने के लिए, पहाड़ी के भागे फायर करने के लिए, दुश्मन को देखने के लिए। और एक गन तो इतनी थी कि मतलब 3.5 किलोमीटर एक्यूरेट फायर था उसका, हेड शॉट बिल्कुल। सो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, अब देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे। कौन एक बात और, मैं वहाँ से जब निकला हॉस्टल से तब मेरे को पता नहीं था कितना सारा कंटेंट मिलेगा मुझे बनाने के लिए, बट अब पता नहीं है मेरे को यूट्यूब अलाउ करता है कि नहीं करता है, क्योंकि गन्स वंस है सेफ्टी के लिए, क्या पता करे नहीं करे, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कर ही देगा। और पता नहीं था इतना अच्छा कंटेंट बना पाऊंगा, इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा, थैंक्स टू अवर ठाकुर भैया, भले उसने लेट किया पर अच्छी जगह लेके आया थम्स अप। रेस कोर्स जाने का भी प्लान बना था, बहुत ज़्यादा भीड़ है तो नहीं जा रहे वहाँ पे, और इतने ज़्यादा ट्रैफिक में जाके फंसना नहीं है, और अगर मैं हिंदी बोलते बोलते गलती से इधर उधर निकल जाऊँ तो आप ऐसा मत बोलना कि काठियावाड़ी टोन आ रहा है, अब वो आ गया है, क्या करें, हम 4 साल से यहाँ रह रहे हैं तो थोड़ा सा अडेप्ट कर लेंगे। जो है मुझे थीम बहुत पसंद आई, पंजाबी, चाइनीज, वेस्टर्न और साउथ इंडियन, अब मेहुल्स किचन, अब मल्टी क्यूजन, QSR क्या है वो हमको नहीं पता, अभी अंदर जाऊंगा थोड़ा बहुत खाऊंगा, जंक फूड नहीं खाऊंगा, जो भी थोड़ा बहुत अच्छा हेल्दी फूड मिलता है वो खाऊंगा, और फिर आपको बताता हूँ ये आने जैसा है कि नहीं, ऑनेस्ट रिव्यू होगा क्योंकि पेड प्रमोशन नहीं है, हमको बस ट्राई करना था तो हम लोग आए हैं। और यही बाजू में संकल्प है, और उधर है फूड मोहल्ला, जस्ट लाइक फूड अड्डा, जो कि क्रिस्टल मॉल वाली गली में है। प्लस यहाँ पे एक और लापिनो स्कूल रहा है, लापिनो, टोटल 4 हैं यहाँ पे राजकोट में, एक है 150 फीट रंग रोड, इसी रोड के ऊपर रिलायंस मॉल के सामने एक वीरानी स्कूल है, एक FNF है, और एक चौथा यहाँ पे खुलेगा,
तो सोचो आप कितना लाभ इन्होंने चल रहा है कि चार चार खुल गए और सारे चल रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है। सो दैट्स अ गुड थिंग। और बाकी बताता हूँ मैं आपको अंदर जाके, आपको भी खिलाते हैं। तो मेनू कार्ड है वो तो बहुत ही मस्त है, अभी देखना खाना कैसा है। और जो बाहर लिखा होता है, जो मैंने बोला कि QSR क्या होता है वो मुझे नहीं पता। QSR मीन्स क्विक सर रेस्टोरेंट, मेहुल किचन मल्टी क्विजिन क्विक सर रेस्टोरेंट। जो बैठने की जगह है वो भी बहुत अच्छी है, पानी देने का भी अच्छा है, बच्चा हमारा खुश हो गया था। और अभी देखते हैं खाना उतना अच्छा है कि नहीं है, आगे बताते हैं आपको। ये भैया खाएंगे छोले भटूरे, मैं खाऊंगा बिरयानी मंगा नहीं, बिरयानी खाऊंगा और देखते हैं दूसरे क्या खाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, सलाद नहीं है यहाँ पे, सॉरी। नहीं हो, 6000 का सवाल है, खुद की कमाई, यूट्यूब की नहीं है। यूट्यूब के तो दे देता हूँ, यूट्यूब से भी कमाना चालू भी नहीं किया। तो आज का दिन और ब्लॉग खत्म करने का टाइम आ गया है। खाना भी हमने खाया मेहुल किचन में, बहुत ही अच्छा था। छोले भटूरे मस्ट ट्राई, 180 पर पर्सन। हमारे भैया फैनल भैया की चॉइस थी कि छोले भटूरे खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे। तो छोले भटूरे काफ़ी अच्छे थे, तो जाके टेस्ट करें अगर टाइम मिले तो, अगर नहीं करना है तो आपकी मर्जी है, बाकी तो कोई ज़बरदस्ती है नहीं। तो बस ये वीडियो को इतना ही रखता है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बहुत सारी चीज़ें दिखाई मैंने, गन्स दिखाई ये वो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जय हिंद टू आर्मी, इंडियन आर्मी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखें, है ना, अपने आसपास सफाई रखें। सी यू, टाटा, बाय बाय, लाइक शेयर।